पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला 9 बजे। 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। तेजस्वी से मिलने पहुंचे मुकेश सहनी, VIP सीटों का करेंगे ऐलान। महागठबंधन में एक तरफ कांग्रेस और RJD के बीच तालमेल नहीं हो पाया है, तो वहीं दूसरी तरफ RJD की सहयोगी VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के टेन सर्कुलर रोड आवास में मुलाकात कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी से मुलाकात के बाद सहनी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में माथापच्ची के बीच अब इन उम्मीदवारों को मिली हरी झंडी। कांग्रेस के कैंडिडेट नामांकन को तैयार। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम मोहर नहीं लग पाया है। कांग्रेस और RJD के बीच मौजूदा खींचतान में सस्पेंस को बरकरार रखा है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा और वहां लगातार इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि सीटों का तालमेल कैसे हो। बिहार में 72 ऑफिसरों को बनाया गया चुनाव का पर्यवेक्षक। कोरोना काल के दौरान बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज 1 अक्टूबर से पहले चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर 72 IAS ऑफिसर चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बिहार में मिले कोरोना के 1370 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,84,276। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1370 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,84,276 हो गई है। बिहार में फिलहाल 13,746 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। SI भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी BJP नेता गिरफ्तार। पुलिस ने 1,00,000 रुपए रखा था इनाम। असम में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए परीक्षा सरकार करवाने वाली थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही BJP नेता ने पेपर लीक कर दिया। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी BJP नेता को गिरफ्तार कर लिया है। 1,00,000 रुपए था इनाम। पेपर लीक के बाद BJP नेता दीवान डे का फरार हो गया था, जिसके बाद असम पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व DIG PK दत्ता को भी आरोपित बना। फणीश्वरनाथ रेणु की धरोहर की चोरी से आहत हुए बेटे का पिताजी की यह दूसरी मौत हुई है। फणीश्वरनाथ रेणु के पटना के राजेंद्र नगर स्थित घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए उनके धरोहरों की चोरी कर ली है। यह वही घर है जहां 1960 के दशक में महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु रहते थे। यहां रहकर उन्होंने कई किताबें लिखी थी। बताया जा रहा है कि अब इस मकान में उनके छोटे बेटे दक्षिणेश्वर प्रसाद के साले गौरव कुमार रहते हैं। वो भी 10 दिन से गांव गए हुए थे, इसलिए घर बंद था। दिल्ली में रह रहे उनके बेटे ने बताया कि बाबूजी की सारी धरोहर चली गई है, चोर उनकी कागजी रचनाएं चुरा ले गए। पहला संस्करण था जिस पर उनके हस्ताक्षर थे, सब चोर लेकर चले गए। GPS के फेर में फंस गए चोर, पटना से गाड़ी चोरी की और जमुई में गिरफ्तार। पटना के माल सलामी से पिकअप वाहन चोरी कर भाग रहे चोरों को पुलिस ने जमुई में किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि पटना के माल सलामी थाना अंतर्गत रुकबाज मोहल्ले में मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे स्थानीय राकेश कुमार अपना पिकअप वाहन BR03GA 7345 घर के पास ही लगाकर घर में थे, तभी मास्टर की से चोरों ने गाड़ी चुरा ली। कुछ देर बाद जब वाहन मालिक को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी।
भागलपुर चुनाव ड्यूटी में पैरवी नहीं करेगा काम, बीमारी का बहाना बनाया तो कर्मचारियों को देना पड़ेगा सबूत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मचारी ड्यूटी से गायब रहने का कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। चुनाव ड्यूटी से नाम हटाने के लिए कई तरह के पैरवी कराने का सिलसिला पुराना है, लेकिन इस बार यह पैरवी काम करने वाला नहीं है। अगर कोई कर्मचारी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ड्यूटी नहीं करने का बहाना बनाता है तो उसे बीमारी के बारे में सबूत देना पड़ेगा। बिहार में चुनाव जीतने के लिए बाबा के शरण में पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रभारी फडणवीस, जीत के लिए की गुप्त पूजा। बिहार में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब बीजेपी बिहार में जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में पूजा करने के बाद एक बाबा के शरण में पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर विमान में घुसा चूहा, एक घंटे तक मची अफरा तफरी। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की पटना बेंगलुरु की फ्लाइट SG963 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों को पता चला कि विमान में चूहा घुस गया है। मामला मंगलवार की देर रात का है।